ये गिवन है आपको, टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वेयर बी। फाइंड करना है कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर बी। हेलो हेलो, सॉल्व करो। पक्का? मैं हेल्प करूंगी, आ जाओ। पी फाइंड करना है यहाँ पे, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? किसमें? स्टार्ट कैसे करेंगे ये बोलो, बोलो बोलो। पी स्क्वेयर निकालेंगे पहले। पी स्क्वेयर कैसे आएगा? इसका होल स्क्वेयर करके। क्यू स्क्वेयर कैसे आएगा? इसका होल स्क्वेयर करके। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी यहाँ पुट कर दो। ए प्लस बी होल स्क्वेयर, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वेयर, इसमें भी। ठीक है, सॉल्व करो। उसके बाद माइनस कर देना दोनों को, कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। करो स्टार्ट। इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके पी स्क्वेयर, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके क्यू स्क्वेयर आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करके ब्रैकेट ओपन कर देना। टर्म्स जो कैंसिल होती हैं ठीक है, नहीं होती तो कंबाइन कर लेना लाइक टर्म्स जो होंगे। कर सकते हो अर्शीन? आ जाओ। ये कैसे लिखा है आपने? इसकी वैल्यू हाँ, सेक्स स्क्वेयर माइनस वन अगर लिखते हो तो 2 सेक्स स्क्वेयर माइनस 2, तो ये 1 कहाँ गया? पानी तो जा अच्छा गया। अच्छा कंबाइन कर दिया। ऐसे कर लो ना, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले। हाँ, 2 नीचे ले जाओ। हाँ, डायरेक्ट वर्बली आ रहा है आंसर, लिख क्यों रहे हो? हाँ और क्या, इसको ऊपर लागे है, लेके आ गया, 2 इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? हाँ लिख दो, उसके सामने लिख दो चाहे। हाँ ये देखा आपने, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसने किया है, टेन में गिवन है लेकिन कॉस चाहिए आंसर में, तो इसने टेन को चेंज कर लिया सेक स्क्वेयर ए माइनस वन, सेक टेन स्क्वेयर बी को कर लिया सेक स्क्वेयर बी माइनस वन। ठीक है, इसने एक स्टेप यहाँ पे मिस किया है, इसने इसको लिखा है ऐसे सेक्स स्क्वेयर बी माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये +1 को इस साइड पे ले जाके -1 हो गया, -1 ऑलरेडी है, ये -1, -2 लिख दिया इसने, ये कैंसिल, इसको क्रॉस में कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। जब भी कोई क्वेश्चन आए उसे साइन कॉस में चेंज कर लो, सबसे इजी वही रहता है। ये करो स्टार्ट, ये थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो दोनों साइड पे और माइनस कर दो। राहुल आ जाओ, इधर आके करो, सबकी टर्न आएगी। कोई ये ना मिस्टेक ही होगी ना, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। इमानी आओगे आप? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ इधर, मैं हेल्प करूंगी, आ जाओ। नहीं, मिक्स आ जाओ, करो स्टार्ट। इसमें स्केयरिंग बोथ साइड करो, यहाँ निकालो, नोटबुक रख दो वहां पर, यहीं रख दो। हाँ चलो आ जाओ। हाँ पहले पी स्क्वेयर निकाल के दिखाओ क्या आएगा, पहले पी स्क्वेयर इकट्ठे आएगा, पहले पी स्क्वेयर अलग से निकालो ना इसका, फिर क्यू स्क्वेयर निकाल लो। अब कोई ना नहीं करेगा, जिसकी टर्न है सब आएंगे बोर्ड पे, गलत होगा ना, जिससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, रॉन्ग ही सही, आओ तो सही कम से कम। इसका आंसर 1 मिनट, 0 नहीं है बच्चे, 1 मिनट। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, प्लस 2ab नहीं आएगा, होल स्क्वेयर कर रहे हैं ना, प्लस 2ab,
सीधा लिख दो ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए बी कॉट थीटा कॉसेक थीटा। हाँ ऐसे, कॉट थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अगला करो ऐसे। ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। ये नहीं करोगे ना, ये चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, सॉल्व करते जाओगे धीरे धीरे आता जाएगा। 4-5 डेज लगातार करो, उसके बाद आपको इजी लगने लग जाएगा। इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। नहीं, 1 मिनट रुको रुको रुको, जब आप इसमें से इसे माइनस कर रहे हो, ये कैंसिल थोड़ी होगा बच्चे। ये देखो, ए स्क्वेयर कॉट थीटा माइनस बी स्क्वेयर कॉट थीटा इसके साथ है, कॉट थीटा कॉमन लोगे आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब हटेगा नहीं। लिखो इसके साथ, यहाँ लगा दो बात, ऐसे उसके साथ भी आएगा, हटना नहीं है वो, रिमूव नहीं होना। कॉसेक स्क्वेयर थीटा, बच्चे पूरा लिखो, इसकी वैल्यू अकेले कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलो लिखो। हाँ ये सेम है, कट जाएंगे, बस हो गया, एक स्टेप रह गया वो, बस ध्यान से। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, कोई सेम लग रहा है कुछ आपको? सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, क्या करेंगे? माइनस कॉमन, उसमें से सेकंड टर्म में से क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 1 मिनट उधर आओ साइड, ये देखो इधर देखो बेटा, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है। कॉमन तो तब लेंगे ना जब ये सेम होगा, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सेम कॉसेक सेम, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक्चुअली आपने इसका माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस था इसको प्लस बना दिया, जो प्लस था उसे, और जो माइनस बाहर आया वो सेंटर में आ गया। ठीक है, ये सेम है, कॉट स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इन दोनों में क्या सीन है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कॉट स्क्वेयर, ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वेयर। कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वेयर थीटा 1 होता है ना, तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 होता है, पहले देख लो होता है। 1 प्लस कॉट, जल्दी मत करना, हो सकता है आंसर -1 माइनस हो, तो चेक कर लेते हैं। देखो ऐसे होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वेयर थीटा होता है, तो अगर ये वहां जाता है तो कॉसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट आना चाहिए, लेकिन हमारा माइनस पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, -1। आइडेंटिटी क्या आएगी, -1 आएगी आंसर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये आंसर है। ठीक है, जल्दी मत करना कि 1 ही होता है, चेक कर लेना, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। कई बच्चों के पेरेंट्स आके कहते हैं, मैम घर में तो इतना करते हैं नंबर नहीं आते, इसलिए होता है ये कि हमने देखती आइडेंटिटी लगा दी लेकिन चेक तो की नहीं कि क्या आएगा, तो लिख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ बेटा। ठीक है, क्लियर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं है, बस टर्म्स को ना ध्यान से देखना है कि देखो क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन है कि आप समझ रहे हो, एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको रिड्यूस करते जाना है, जो जो सॉल्व होता जा रहा है उस टर्म्स को हटाते जाना है और एक छोटे से आंसर पे आपने पहुंचना है। ठीक है, तो टर्म्स को रिमूव करते जाना है, जो जो आइडेंटिटी, जो जो आपको रिजल्ट बताए हैं उनको अप्लाई करते जाना है, बस इतना ही करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि रिजल्ट आने चाहिए, रिजल्ट नहीं आते फिर क्या करोगे।
आ जाओ, चुप हो जाए, इधर आ जाओ, सॉल्व कर, इधर आ जाओ, सब आएंगे, कह दिया ना सब आएंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, मैं हेल्प करूंगी, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, ये सॉल्व करो, नहीं मत कर, आ जा इधर, रूट के अंदर रैशनलाइज करते हैं, आ जाओ, चलो इधर से आओ, जल्दी आ जाओ, करो करो, रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो, दिविता अब आपकी टर्न है, ये मैंने आपको दे दिया लेकिन दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन में ना चार रिजल्ट दे रखे हैं ऐसे, उनमें से बताना है कौन सा ट्रू है, मतलब खुद बता सॉल्व करना है, ये मैंने खुद दे दिया ताकि आपको एक बार पता चल जाए, ठीक है, चलो आ जाओ, इजी है ये बहुत, ये तो सामने ही दिखाई दे रहा है, आ जाओ दीदी, तक आओ इधर, मैं बताऊंगी, आ जाओ इधर जल्दी आओ, किस लिए, तो क्या इधर से, एक चीज है, जब भी कोई क्वेश्चन लिखिए ना, स्टार्ट करने से पहले उसे चार बार ना ध्यान से देखो, पहले क्या दे रखा है और आंसर क्या चाहिए, देखो ध्यान से, वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, और आंसर में क्या चाहिए, वाई अपॉन बी चाहिए, वाई अपॉन बी निकाल लो वहां से, इधर क्या चाहिए, एक्स अपॉन ए, वहां से निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर कर दो, करो इधर आके करो, जैसे दिल करे आपका, फर्स्ट से स्टार्ट कर लो, करो 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 करो, कोई बात नहीं करो, नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, इधर देखना एक मिनट, ये दोनों सेम नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हटाओ इसे, स्टेप कम करो, एमसीक्यू करने हैं, रब करो इसे, ये सारे स्टेप हटाओ, छोटा करो इसे, हाँ हटा दो, ये नीचे वाले स्टेप भी रब करो, हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आपको ऊपर वाले में से एक्स अपॉन ए की वैल्यू निकाल, ये एक्स अपॉन ए नहीं चाहिए आपको, ऊपर वाले में से एक्स अपॉन ए निकालो, क्या आएगा निकालो, करो बिल्कुल बिल्कुल, लिखो लिखो लिखो, वेरी गुड, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू राहुल, हाँ हाँ पता, ए माइनस, ओए ये नहीं आएगा, अपॉन, अब पहले देख ध्यान से, पहले देख, हाँ, रूट पूरा करो, रूट कंप्लीट करो, हाँ चलो चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है, अब सेक थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, लगेगी ना, इसको ऐसे लिखेंगे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लगाओ आइडेंटिटी, देखो क्या होती है, मुझे आइडेंटिटी लिख के दिखाओ पहले ऊपर, ओए नहीं, ये होल स्क्वायर है, रूट से क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है, एक बाहर आ जाएगा, इसको सेपरेट कर दो, आंसर आ गया, होल स्क्वायर तभी तो बनाया था ताकि बाहर आ जाए, रूट में हमेशा ऐसे होता है, होल स्क्वायर बनता है, ऊपर वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे साइन का होल स्क्वायर बन रहा है, तो साइन भी रूट से बाहर, वन माइनस कॉस भी बाहर, रूट हट गया, सॉल्व कर दो, वन बाय साइन क्या होता है, लर्न करने का वे है, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है पुट करो वैल्यू क्या आएगी, ये ठीक लिखा है, कॉस बाय साइन क्या होता है, फिर आना है अभी, ठीक है सांस ले लो तब तक जाके,
आओ आओ तो सही। ठीक है मैं बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी सर, उसको नहीं बताया, मैं आपको बताने के लिए ही हूं यहां पर। आ जाओ थोड़ा दिमाग से काम करना, बहुत इजी है जो दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ खोल दो ब्रैकेट, इतना क्या सोच रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो समय आता है स्टार्ट करो। कर लो कर लो, करो 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 बच्चे करो। चलो उधर से, वहां से सीधा पता चल रहा था, सेक्स स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर वन होता है, सीधा वन लिख देना था। ठीक है चलो, हाँ अब यहाँ नहीं आएगा स्क्वेयर, यहाँ आएगा। अब बहुत इजी है ये, बता सकते हो हिमांशु क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? इसने फोर को टू इंटू टू कर लिया, वो ठीक है, स्क्वेयर कहाँ लगाया देखा है आपने, आपने गलत जगह लगाया था। अब बिल्कुल कॉमन लेना है, सेक्स स्क्वेयर थीटा कॉमन। अब बस ध्यान से करना, अब मैंने नहीं बताना, जो हिंट था वो बता दिया, बस अब इजी है, बहुत इजी है, उसके बाद आइडेंटिटी लगेगी। हाँ आइडेंटिटी लगाओ, सेक की आइडेंटिटी आती है, हाँ लिखो ऊपर और लगा दो यहाँ पे। इसमें से निकालो जिसकी वैल्यू यूज करनी है, निकाल लो जो आपको लगता है उसकी वैल्यू यूज कर लो। टेन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, सेक है ना, आंसर टेन की फॉर्म में आ जाएगा। कन्वर्ट कर दो कन्वर्ट कर दो, इस सेक को भी टेन कर दो, इसको भी टेन कर दो, आंसर आ जाएगा। टेन में कन्वर्ट कर दो ना, आंसर टेन की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में बच्चे, आपको तो कॉस की फॉर्म में करने लगे हो आप तो। अगर ये वन यहाँ आता है, इक्वल टू, अब इस जो ये आपने रिजल्ट निकाला ना, टेन यहाँ यूज कर लो, और इस सेक की वैल्यू भी यहाँ पर टेन की फॉर्म में लिख लो, क्या आएगी सेक की वैल्यू? सेक की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? टेन की फॉर्म में। इसे तो आप, इसकी जगह आप ये लिख दोगे, इसकी जगह ये लिख दोगे ना, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको भी टेन की फॉर्म में करो ना कन्वर्ट, इसी में से निकालो वैल्यू अपने आप। होगी टर्न, ये नहीं कहना आगे, मैं आपके साथ हूँ, आ जाओ इधर, क्या हुआ? ये वैल्यूज दे रखी हैं, ये निकालना है। करो लिखो, लिखने से मत डरो, लिखो बेटा लिखो, इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है, लिख दो इसकी जगह टेन। इसकी जगह आपने ये लिख दिया, ये तो आप यूज कर रहे हो ना, इसकी वैल्यू कहां से आएगी? आओ इधर, कौन बताएगा ये हिंट, कौन दे सकता है इसको? एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, वन बाय एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां पुट कर दो। ये कौन कंप्लीट करेगा? जीवित आप कर सकते हो, इसने लिख भी लिया है लेकिन इसको सिर्फ पुट करना नहीं आ रहा। इसने देखो आइडेंटिटी लिख दी, अब जो ये क्वेश्चन था ना इसका, ये है वो, इसको टेन में चेंज करना है, इसकी वैल्यू इसने लिख भी दी टेन है, फिर ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी? वन प्लस, इसकी जगह आएगा वन प्लस टेन, लिखो स्क्वेयर थीटा पूरा लिखो, उसके बिना तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, इसकी वैल्यू लिखो।
इसकी वैल्यू क्या है? लिखो, इक्वल क्यों डाल रहे हो? फिर करो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलो, थीटा लगाओ। हाँ जी, एक मिनट, इसको कॉस में क्यों चेंज किया? वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो, जैसे है ना वैसे ही रहने दो। एक्स की वैल्यू निकालो यहां से, और यहां से 1/x की वैल्यू निकालो, निकालो ऊपर एक्स की वैल्यू, इधर 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 एक्स की वैल्यू है, एक्स की, मैंने कहा एक्स की वैल्यू निकालो, टू नहीं चाहिए। हाँ जी, स्क्वेयर स्क्वेयर, हाँ जी, फिर स्क्वेयर, टेन थीटा का जो होल स्क्वेयर होता है ना, वो टेन स्क्वेयर थीटा होता है। ठीक है, जहां लगाया था वो भी ठीक था, जो अब लगाया था वो भी ठीक है, लेकिन आना अंदर चाहिए, ये भी ठीक है, गलत नहीं करो, ये ठीक है। अगले का निकालो, 1/x की वैल्यू निकालो, जाओ। ये समझ नहीं लगी? किसने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? इतना तो था ही नहीं, ये लिखना ही नहीं चाहिए था, तभी तो कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, ये देखो, ये ठीक है, लेकिन इसने खुद फॉर्मूला लिख के कंफ्यूज कर दिया अपने आप को। ये 4 को लिख दिया 2 × 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिख दो एक्स की वैल्यू, बोरी 1/x की वैल्यू, ये यहाँ लिख दो इसकी जगह, यहाँ यहाँ करो, यहाँ करो, ये 2 सेम वैल्यू करके स्क्वेयर करते जाओ। ये देखो, इसने सेक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ये 4 था ना, ये भी नहीं लिखना चाहिए था, 4 है ना, 2 बाहर ले लिया, 2 बच गया। ए रेस टू पार 4 हो, ए स्क्वेयर हो, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, यही है, ए की जगह सेक है बस, और क्या है। फैक्टराइजेशन चैप्टर नहीं करा 9th क्लास में, 8th क्लास में, कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वो उससे भरा पड़ा है, कितने क्वेश्चन किए हैं, यही तो है। ये स्टेप क्यों लिखते हो, कंफ्यूज होती है। ये 4 था, 2 कॉमन ले लिया, बच्चे एक्स की वैल्यू पुट करो, मैंने कहा ये वाली वैल्यू, रब करो रब करो, सारा रब करो, ऊपर वाला भी गलत है, हाँ यहाँ पुट करो। देखो इधर, सेक स्क्वेयर कॉमन, सेक स्क्वेयर -1 बच गया। अब आइडेंटिटी क्या होती है? स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। अब सेक स्क्वेयर थीटा की वैल्यू है 1, इसकी जगह लिख दो 1 + tan² थीटा, और सेक स्क्वेयर थीटा -1 = tan² थीटा होता है, ये हो गया टेन स्क्वेयर थीटा। मल्टीप्लाई कर दो, टेन स्क्वेयर थीटा, टेन स्क्वेयर, टेन स्क्वेयर, समझ आई? आप जो स्टेप्स लिखते हो ना ज्यादा, उससे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जब क्वेश्चन करने ना, तो खुद को समझाना है कि हम कर क्या रहे हैं, बस ये नहीं लिखते जा रहे हैं जबरदस्ती आंसर आ गया, पता चला ही नहीं कि करा क्या है, बाई चांस ही आ गया आंसर तो, ठीक है, कॉमन लिया है और बस सेक को टेन लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं करा, कंफ्यूज। इधर 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 1/x की वैल्यू क्या निकाली है आपने? 10/2, ये कहां से आ गया फिर? अरे नहीं, ये है 1/x की वैल्यू तो ये है ना, वो क्यों लगा रहे हो? 10/2 लगाओ, 10/2, टेन की वैल्यू थीटा के बिना कुछ भी नहीं है, वो तो एक वर्ड बना दिया आपने 3 अल्फाबेट्स का, थीटा के बिना उसका कोई है नहीं कुछ भी, थीटा लगाना है साथ में, भूलना नहीं है, नंबर कट जाएंगे अगर क्वेश्चन में थीटा छोड़ दिया तो, कुछ नहीं मिलना, जीरो मिलेगा। पहले होता था ऐसे ही, बच्चे कुछ लिख कर ही नहीं जाते थे, टेन टेन लिख के क्वेश्चन कर दिया, कुछ नहीं मिलना। हाँ करो, स्क्वेयर ओपन करो, by 4, हाँ चलो आ जाओ हिमांशु, अब आपकी टर्न है, आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं वो भी आ जाती, दस्तर देना। मैं बता तो रही हूँ, आ तो रहे हैं, और क्या करें अब, आ जाओ आ जाओ। आपको ना बुलाएं फिर, कहती हिमांशु मेरे साथ चलना, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं। हाँ ठीक है करो करो, 2 का स्क्वेयर, मैडम उधर, हाँ जी चलो, बस हो गया, अब किसी की हेल्प ना लेना, अब हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट में हो, आप कर दो, अब
अब ध्यान से करना, बस लास्ट स्टेप ही चल रहा है। अगर अभी वाला आपने सुना है तो आपको आएगा, आप करते जाओ, बस अब आ गया है। मत बोलो, चला जा। कौ से दिया है, टेन निकालना। एलसीएम लो बच्चे, फोर एलसीएम लो। कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये बता सकते हैं? कॉस क्या होता है? कॉस की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन होता है। फॉर्मूला नहीं आता पंडित बदरी प्रसाद, लिखो चाहे उससे पता चल जाएगा। लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर। हाँ क्या होता है? सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है। वन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस चांदी तोले। टी सी की वैल्यू क्या है? बी बाई एच। ट्राइंगल बनाओ, ये बी दे रखा है, एच दे रखा है, क्या रह गया? राइट एंगल ट्राइंगल बचाओ बनाओ बच्चे। हाँ हो गया, खत्म हो गया है, पता चला है। चलो आओ, ठीक है बच्चे, नीचे बेटे वहां पे जाओ, वहां लेट जाओ पीछे जाके। हाँ ये नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा आएगा? माफ करो जल्दी से। हाँ ये निकालो। टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? पी बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर निकालना, निकाल के बस लिख दो आंसर। के लगाओ साथ में, ठीक है? चलो सॉल्व करो, आ जाओ। ठीक है ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या हो गया हिमांशु? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है क्या? है क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर तो कहीं किए ही नहीं। एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 5K का स्क्वायर। रब करो गलत है। चलो आप थोड़ा सा इधर उठो, चलो करो करो करो। एक मिनट, थोड़ा सा इधर हो जाओ ना। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। इसको उधर ले जाके सॉल्व करो, पी निकालो। सॉल्व कर लो, बोल बोल के नहीं, अपना अपना। फिर वही, ये तेरे सामने क्वेश्चन राहुल ने किया था, होल स्क्वायर में से ये बाहर आ जाएगा और ये क्या होएगा? के स्क्वायर आएगा। 5K का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर नहीं आएगा? माइनस करो क्या आएगा? क्या होता है सेक्स स्क्वायर माइनस वन? हाँ स्क्वायर नहीं आएगा। चलो अब नेक्स्ट निकालो। ऐसे पी क्या आ जाएगा? पी स्क्वेयर अगर ये है तो पी क्या आ जाएगा? क्या आएगा जीविता? 3K। स्क्वेयर रूट नहीं करोगे? 3K आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखो 3K। परपेंडिकुलर आ गया 3K। अब टेन की वैल्यू क्या होती है? बताया था आपको, फॉर्मूले में से देखो।
पर टैन देखो ना बच्चे, टैन पी ओवर बी लिखो, पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाँ बेस क्या है, देखो आंसर क्या आएगा, के काट दो 3/4, जाओ फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ओखा नहीं है बच्चे, ये तो इजी है, ये वाले थोड़े से हैं, वो तो इजी है ऊपर टू, टू कॉसेक सॉल्व करो सारे, या कर रही हो इमानी? हाँ जी आ जाओ, आपने कहा था लास्ट में, आ जाओ, इसने कुछ नहीं करना यहाँ पे, जो बच्चे खुद ही छुपना चाहते हैं उनको क्या करें, जबरदस्ती किसी से नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा हाँ बस हो गया, ये आंसर आ गया, एलसीएम ले ले, बस हो गया, बहुत इधर चलेगी साइड पे, इधर आके करो, ऊपर ऊपर इधर आओ, नजर ही नहीं आ रहा, इधर आके सॉल्व करो, ले आओ डस्टर, यहाँ कर दो ऊपर, ये इधर ले लो, छोड़ दो छोड़ दो, ये इधर आ जाओ, उधर से लेके यहाँ कर दो, एलसीएम ले लो, किस लिए, वहीं बैठ, जो दोनों की वैल्यूज आई है ना ये प्लस कर दो, ये कर, ये हिमांशु सेम क्वेश्चन है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालो, हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे फिर यही आएगा, वो ऐसे ही आएगा, फिर ये बता देना एक्स क्या है, बेस, ये जो आएगा ये हाइपोटेन्यूज आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, चाहे ना ही सॉल्व करो ऐसे ही देख लो, एक्स क्या है, बेस, ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ठीक है यही आंसर, निकालने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व क्यों करना है, आंसर तो बताना, ऐसे ही करना, और हाइपोटेन्यूज यही आएगा, हाँ हाँ सॉल्व करो ना, क्या होता है ये क्या होता है, कर दो, हो गया बस, मैंने आपको क्या कहा है, जितना ब्रेक हो सकता है करते जाओ, जहां एंड में आ जाओगे ना, जहां कुछ नहीं हो सकता वो आंसर होगा, तो अभी सॉल्व हो रहा है ना तो करते जाओ, सोचना क्या है, ये करो सॉल्व, बहुत इजी है, इमानी आ जाओ, आ जाओ कोई बात नहीं, आओ तो सही, आ जाओ, 2 sec थीटा, देखा नहीं, वन बाय साइन है, आप गलत लिख रहे हो, चलो आओ, ठीक पहले खुश होके, परेशान होके नहीं, चलो साइन कॉस में चेंज करना है, टेन और कॉट है ना, कुछ दिया नहीं हुआ, आंसर लाना है, कॉट को लिख दो, साइन कॉस में क्या होता है, कॉट स्क्वेयर क्या, कॉट क्या होता है, टेन क्या होता है, दबनेशु से बताओ क्वेश्चन,